आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। मैं शुभांगी पुरस्कार के दूसरी वर्षगांठ पर एक छोटी सी कविता लेकर प्रस्तुत हूँ जो आपको और पुरस्कार को समर्पित है। मौन थी जब दुनिया ये, कोई बोलता ना था किसी और, घर बंद थे सभी और दिखता नहीं कोई और, वीरान सड़कें थी शांत शहर, चलती बीमारियों की तेज लहर, बड़ी दुविधा थी आगे बढ़ पाएंगे क्या, इन सब से निकल पाएंगे क्या, नकाब पोश जो लोग हैं कभी खुल के जी पाएंगे क्या, हमें सिखाएगा कौन, हमें पढ़ाएगा कौन, ये जो पंख सजाए थे अभी उन्हें उड़ना बताएगा कौन। देश बंद था, गिरती अर्थव्यवस्था, ऐसे में विकास को नई दिशा दिखाएगा कौन, बड़ी दुविधा थी। तब देश के युवा धुरंधरों ने, हर उम्र के मजबूत कंधों ने जिम्मा उठाया प्रगति का और मार्ग बनाया उन्नति का, बढ़ा के मदद की हाथ एक, मिला के गुणों का साथ अनेक, निर्माण किया पुरस्कार का स्रोत एक सर्वांगीण विकास का, ऑनलाइन क्लासेस चलने लगी, विदेशी भाषाएं मुनिया पढ़ने लगी, छोटू अब संगीत सीखता था, पिंकी भी अंग्रेजी बोलती थी, समय का पहिया घूमा और देश उबरने लगा दलदल से, हम भी और चमकने लगे वॉलंटियर्स के दृढ़ संकल्प से, वक्त के साथ बनने लगी कई ऑफलाइन ब्रांच, हर गली शहर का बच्चा रच सके का इतिहास, करियर गाइडेंस, योगा क्लासेस, खूब आर्ट्स और क्राफ्ट, देश के कोने कोने में मुफ्त शिक्षा का विस्तार, हर दिन नई उम्मीद लिए करते हैं हम कई प्रयास, हर दिन नई उम्मीद लिए करते हैं हम कई प्रयास, ये 2 साल आप सबों ने मिलकर बना दिए हैं खास, गर्व से कहती हूँ मैं एक छोटी सी बात कमाल, पहले दुविधा थी अब सुविधा है, अब पुरस्कार है।